Assalamualaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel, The Hope 706. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ शेख गुलाब खान एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। आज हम जिस तरह BSc की सीरीज कर रहे हैं और BSc का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है स्टूडेंट्स, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिट्टी, जिसको लिखा है जेम्स थर्बर ने। तो जेम्स थर्बर की पहले जो है वो थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। ही वाज अ कार्टूनिस्ट राइटर ऑफ अमेरिकन, ही वाज अमेरिकन राइटर, ही वाज यू नो ह्यूमरिस्ट एंड ही वाज बोर्न इन 1894 एंड डाइड इन 1961 एंड ही इज बेस्ट नाउन फॉर कार्टून्स, कार्टून्स के लिए जाना जाता है। चूंकि सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिट्टी एक आम तबके की कहानी है, मिडिल क्लास जो तबका है हमारे जैसा, उसकी कहानी है जो डे ड्रीमिंग करता रहता है। तो जेम्स थर्बर ने थ्रू वॉल्टर मिट्टी एक खूबसूरत जो तजिया इसका दिया है, आइए हम देखते हैं और साथ साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके देखेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके जो मेजर थीम्स हैं चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं कि स्टोरी किसके अबाउट है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिट्टी इज द ह्यूमन प्रोपेंसिटी टूवर्ड एस्केपिज्म, यानी कि वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से जो है वो एस्केप चाहता है, डे ड्रीमिंग करता है, ड्रीम्स में रहता है, और मोर सिंपली आवर डिजायर्स टू वेंचर इनटू आवर डे ड्रीमिंग, और हमारी सारी डिजायर जो है, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में जो है ना वो इस तरह हो नहीं सकता जिस तरह हम चाहते हैं। पीपल डू नॉट नो अबाउट द बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ, इवन दे डू नॉट डियर, तो इसलिए फिर वो डे ड्रीमिंग करते हैं। और यहाँ पे इस तरह ने लिखा है, द स्टोरी बेसिकली इज अ सीरियस कमेंट ऑन द फेलियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन टू गिव हैप्पीनेस टू अ कॉमन मैन, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में, मॉडर्न दौर में जो आम बंदे तक चीजों की रसाई है और प्रॉस्पेरिटी है वो नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से वो अपना बेचारा जो टाइम है वो डे ड्रीमिंग में वेस्ट करता है। इसके जो मेजर थीम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं, वो देखते हैं। चूंकि वॉल्टर मिट्टी की कहानी है और किस तरह एक वो सादा सा आदमी है और उसकी बीवी भी उसके ऊपर रूल करती है और उसको जो है वो शी कंसिडर्ड वॉल्टर मिट्टी जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो वॉल्टर मिट्टी जो है वो ड्रीमिंग करता है और फॉर एग्जाम्पल वुड लाइक टू गिव यू एग्जाम्पल, व्हेन वंस ही यू नो इन अ ड्रीम ही वुड बिकम अ डॉक्टर, ही वुड बिकम अ हाइड्रोप्लेन, he would become you know army officer where he commands and rule to others। तो इस तरह वो अपना जो टाइम स्पेंड करता है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नंबर वन पे है, द स्टोरी डील्स विद द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन की जो लाइफ है उसको डील करता है। who has failed in his actual life, अपनी असल जिंदगी में तो वो फेल है but tries to be successful in his imagination, लेकिन कहां पे वो सक्सेसफुल है, क्योंकि इमेजिनेशन पे ड्रीम्स पे कोई पाबंदी नहीं है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, वाटर मिट्टी जो है वो दिन में आते जाते कहीं पे भी जा रहा होता है तो वो एस्केप चाहता है रियलिटी से, तो वो डे ड्रीमिंग करता है। नंबर टू पे है, वाटर मिट्टी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास, और यहाँ पे मिडिल क्लास तबके की अपनी परेशानियां हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो दे डू नॉट मीट द एक्सपेंसेस, कितने उनके एक्सपेंसेस हैं और वो पूरे उनको दे डू नॉट वांट टू फुलफिल, दे डू नॉट यू नो फुलफिल इट, फुलफिल्ड इट। ही इज ऑफन डिटरमाइंड टू प्लेजर एंड एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, क्या करता है, ही इज ऑफन डिनाइड कर देता है ऑन मिडिल क्लास तबका जिंदगी की रंगीनियों को, एक्साइटमेंट को और एडवेंचर को। मैंने यहाँ पे थ्री काइंड्स ऑफ मिडिल क्लास लिखी है, नंबर थ्री पे काइंड्स ऑफ, बेसिकली काइंड्स ऑफ मिडिल क्लास नहीं है, बेसिकली ये स्टूडेंट्स है कि मिडिल क्लास जो तबका है वो किस तरह के प्रॉब्लम फेस करता है। दे आर द मैन ऑफ एवरेज मींस, उनके जराए आमदन जो है वो बड़े एवरेज होते हैं, उन्हीं में उनको गुजर बसर करनी होती है 50-60 में, और उन्हीं में उनके ख्वाहिशात बड़ी होती हैं। सेकंडली दे डू नॉट हैव टाइम टू डू सो मैनी थिंग्स, एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते इन अ शॉर्ट टाइम, दैट इज वाई दे फॉल टू डे ड्रीमिंग, तो फिर क्या करते हैं वो डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं। नंबर फोर पे, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट विच वी ऑफन फाइंड
बिटवीन द रियल लाइफ एंड द इमेजिनेशन। तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरह एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वाल्टर मिटी ने बड़ा खूबसूरती से बयान किया, वाल्टर मिटी के थ्रू जेम्स थॉम्पसन ने बड़ा खूबसूरती से बयान किया हुआ है कि उस कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसके इनर वर्ल्ड में और आउटर वर्ल्ड में। जब वो हकीकत पसंद होता है, हकीकत में आता है, तो उसको याद आती है अपनी जो वाइफ है, उसका एंग्री मूड याद आता है, उसका जो प्रॉब्लम्स याद आते हैं, उसकी जो डांट डपट याद आती है, और क्या चीज़ें उसने सदस्य घर लेके जाना है वो याद आता है, और उसके पास कितने पैसे हैं, कितने में उसने क्या लेके जाना है, क्या आएगा, ये होते हैं। और डे ड्रीमिंग में कभी वो किसी पर रूल कर रहा होता है, कभी वो आर्मी ऑफिसर बन जाता है, कभी वो डॉक्टर बन जाता है, कभी वो जो है प्लेन उड़ाने वाला बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो इसका बेसिकली जो थीम है, जो मेजर थीम है, सक्सेस एंड फेलियर, ये है। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी लाइन यहाँ पे लिखी है, और ये इसका जो मेजर क्वेश्चन है इस ऐसे का, वो थीम्स ऑफ सीक्रेट वाटर मिटी और सेकंड ईयर कॉन्फ्लिक्ट, ये इस पे क्वेश्चन बनता है। द थीम ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज एग्जामिन्ड, हम एग्जामिन किसके थ्रू करते हैं, थ्रू मिटीज इन एबिलिटी टू लिव अ फुलफिलिंग एक्सटर्नल लाइफ विच कॉजेज हिम टू। अब यहाँ पे रीड रीड है, ये स्टूडेंट्स ना तो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब हुआ है और ना वो अपने डे ड्रीमिंग में पूरी तरह कामयाब हुआ है। बेसिकली वॉल्टर मिटी ने जो है वो खुद कामयाब नहीं हुआ। बेसिकली जो मिडिल क्लास तबका है वो तमाम का तमाम जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तमाम का तमाम जो है वो परेशानियों से, तकलीफों से मुरझाया हुआ है, ठीक है। दे फील डेस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एंड द रिजल्ट इज क्योस। तो इसी को जो ओवरकम करने के लिए जेम्स थॉम्पसन ने अपने जो व्यूज हैं, अपनी ओपिनियन है, वो इस एसे के थ्रू दी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसे इन बीएससी इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू।